नमस्कार, स्वागत है आप सबका एबीसी ऑफ इंडिया में, जहां हम बात करते हैं इंडियन आर्ट, क्राफ्ट, ब्यूटी जो बसती है इंडिया की डाइवर्सिटी में और इंडियन कल्चर की। आज एबीसी ऑफ इंडिया में हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी आर्ट की जो सिर्फ एक आर्ट ही नहीं, जीवन में परफेक्शन और ब्यूटी का एक बैलेंस है और साथ ही लाइफ को नकारात्मकता से दूर करने वाली दिल और दिमाग की वो आवाज़ है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है और वो आर्ट है इंडियन क्लासिकल डांस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या है इंडियन क्लासिकल डांस। इंडियन क्लासिकल डांस इंडिया की एक ऐसी अनमोल धरोहर है जिसे हम बिना किसी शब्दों के सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उस खूबसूरती को जो बाहरी दुनिया के परे हमें अपनी अंतरात्मा से जोड़ती है। भारत में क्लासिकल डांस की आर्ट फॉर्म्स हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों के परंपरागत नृत्य हैं। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भारत के दक्षिण प्रांत के राज्य तमिलनाडु का एक परंपरागत नृत्य है। यहाँ नृत्य तीन प्रमुख कलाओं का समावेश है, भाव, राग और ताल। कथकली, कथकली दक्षिण भारत के केरल का एक क्लासिकल डांस है। यह डांस एक कथा सुनाने का नृत्य अभिनय है जिसमें चेहरे के हाव भाव का खास महत्व होता है। कथकली डांस में कलाकारों के चेहरे का मेकअप, कॉस्ट्यूम और फेस मास्क इस डांस को दूसरे क्लासिकल डांस से बिल्कुल डिफरेंट और अट्रैक्टिव बनाते हैं। कथक, कथक का अर्थ है कथाकार या फिर कथा सुनाने वाला व्यक्ति। कथक नृत्य में नृत्य के माध्यम से कथा का वर्णन किया जाता है। भारत का राज्य यूपी कथक की जन्मभूमि मानी जाती है। कथक नृत्य प्राचीन और एक पारंपरिक नृत्य शैली है। कथक डांस क्लासिकल डांस फॉर्म में एक विशेष स्थान रखता है। ओडिसी, ओडिसी भारत के उड़ीसा राज्य का पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य ईश्वर को समर्पित एक नृत्य कला है। इस नृत्य में कथक और भरतनाट्यम दोनों का ही समावेश देखने को मिलता है। यह एक बहुत ही खूबसूरत डांस फॉर्म है। मणिपुरी, मणिपुरी क्लासिकल डांस भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसे राज्य मणिपुर का एक पारंपरिक डांस है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल के आधार पर पड़ा है। मणिपुरी डांस श्री कृष्ण की लीलाओं को समर्पित एक नृत्य है जिसमें श्री कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। यह डांस दूसरे इंडियन क्लासिकल डांसेस से काफ़ी भिन्न है। इस डांस में प्रयोग होने वाले कॉस्ट्यूम्स बेहद खूबसूरत और आकर्षक होते हैं। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम दो शब्दों से मिलकर बना है। मोहिनी मतलब खूबसूरत औरत और अट्टम मतलब नृत्य। मोहिनीअट्टम एक ब्यूटीफुल फेमिनिन डांस स्टाइल है जो भारत के केरल राज्य के दो प्रमुख क्लासिकल डांसेस में से एक है। मोहिनीअट्टम एक उत्कृष्ट और मनमोहक नृत्य है जो काफ़ी लोकप्रिय है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसका नाम इसी गांव की वजह से कुचिपुड़ी पड़ा है। यह नृत्य एक डांस ड्रामा परफॉर्मेंस है जो कि एक रिलीजियस आर्ट के रूप में विकसित हुआ है। यह एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक नृत्य है। क्षत्रिय, क्षत्रिय डांस भारत के राज्य आसाम का एक शास्त्रीय नृत्य है। भारत के आठ क्लासिकल डांसेस में से एक क्षत्रिय नृत्य आसामी नाट्य नृत्य कला है जिसे वर्ष 2000 में भारत के आठ क्लासिकल डांसेस में से एक होने का सम्मान हासिल हुआ। सभी खूबसूरत आठ इंडियन डांस फॉर्म्स इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म की श्रेणी में इसीलिए आती हैं क्योंकि इनकी यह विशेषता है कि ये बहुत ही
खूबसूरती और स्पष्टता के साथ अपने प्रत्येक हाव भाव, इशारे, पोजेस और मूवमेंट के जरिए भारत के पास से जुड़ी परंपराओं और मान्यताओं को आज भी फ्यूचर के लिए संजोकर रखती हैं। सभी आर्ट डांस फॉर्म्स में हमें प्राचीन भारत के स्थानीय प्रभावों के साथ साथ वर्तमान के अनुकूल परिवर्तन भी नजर आते हैं, जो हमारी अनमोल धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।